सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रुपिंदर कौर है। मैं डबल एम ए बी एड हाँ और मैं कैनेडा तो जॉब करके मैं इतने शिफ्ट हुई सी। कुछ रीज़न सी अपने हेल्थ इशू सी जिन्हें करके मैं इतने आना पाया। मैं अपनी ट्रीटमेंट करवाना आई सी, उस तो बाद मैं इतने स्टक हो गई करोना करके। फिर मैं अपना इतने बिजनेस स्टार्ट करया जो कि दिल्ली वाजीवा रेस्टोरेंट के नाम से इतने चल रहा है, जिदे विच मेरिया मेन आइटम्स ने चाप है और कॉन्टीनेंटल भी मैं सर्व कर रही हूँ और इंडियन स्नैक्स भी मैं सर्व कर रही हूँ। बट मेरी जो स्पेशलिटी है वो चाप दी है। मेरे को बहुत तरह दिया चाप ने, जिमें औरले चाप है, KFC चाप है, तंदूरी चाप है, स्टफ चाप है, फिश टिक्का चाप है और बहुत सारे तरह के मेरे को टिक्के भी मौजूद हैं। तो मैडम, ये आप चाप कहाँ से लेके आते हैं? ये स्पेशली मैं चाप, ये चाप मेरी दिल्ली से आ रही है कि टेस्ट में इतना, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा इसका टेस्ट। दिल्ली से आती है? हाँ जी, दिल्ली से आती है। 1 or 2 days बाद ये डिलीवरी इसकी हो जाती है। तो मेरी मलाई चाप रेडी होने जा रही है जो कि तंदूर के लग चुकी है। हम इसकी चाप है, ये मलाई चाप है, हाफ प्लेट है मलाई चाप। और मैं दिल्ली वाला टेस्ट इतने देने की कोशिश करी है जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होंगी हर जगह। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मैंने सपोर्ट किया जी असं विदेशों से जाके कम कर सकते हैं तो अपने इंडिया के रह के असं क्यों नहीं कम कर सकते, क्योंकि उत्थे जाके भी नॉर्मली लोग होटल्स कम करते हैं या अपने मॉल वगैरह कम करते हैं। बट मैं इतने अपने पैरों पर स्टैंड होने लिए मैं ये रेस्टोरेंट ओपन करिया, तो जिते कि मैं अपन ही आइटम्स शुरू करी जो कि नॉर्मली तो मिल जाती है सब जगह, बट जो मेरे को इतने आके स्पेशलिटी इन्होंने चीज़ों की मिलेगी वो थानू गरंटी के नाल कितने भी नहीं मिल सकती। ये मेरी KFC चाप है। मैं इसको फ्राई करते हो? हाँ जी, इसकी पहले मैरिनेशन होती है फिर इसके बाद उसको फ्राई करा जाता है। तो मैडम, कोई मुश्किल आपको लगती है? अभी आप पहले कनाडा में काम किया, अभी इधर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं सर, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई, बट जितनी आई वो तो हर एक काम में आती है। बट मैं हैंडल कर लिया क्योंकि मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड ऑलवेज मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कभी कि मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए या कोई कुछ कह रहा है या कुछ भी है। मतलब बिल्कुल भी मैं केयर नहीं करती इस चीज़ से। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं कस्टमर को टेस्ट दूँ, क्वालिटी दूँ प्लस क्वांटिटी। क्वांटिटी इन तीनों चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करती। चाहे प्राइस अब इंक्रीज़ हो गया बट मेरा प्राइस वही है। 2 साल हो गया मैं एक ही प्राइस चला रही हूँ, चाप का एक ही प्राइस चल रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हुए हैं हर चीज़ में, रॉ मटेरियल में, बट मेरे प्राइस वही चल रहे हैं अभी भी। ये कुल्लड़ चाप मेरी रेडी हो चुकी है। ओके, आप लोग देख सकते हैं इसमें चीज़ चाप, ओके, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं ये देखो। तो फ्रेंड, अगर आप भी खड़र में कुल्लड़ चाप का मज़ा लेना चाहते हो, ये हमारे बहन जी देख लो, बहुत ही बढ़िया टेस्टी चाप बनाते हैं। तो बहन जी, जो आपकी लोकेशन है वो बता दो। ये सनी इनक्लेव से आगे है, गिलको वैली। ओके, और इसकी मेन मार्केट शॉप नंबर 89 में दिल्ली वाजीवा रेस्टोरेंट के नाम से ये मशहूर है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप भी एक बार इनके पास ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे फूड लवर पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।